और दूसरी बात, लोग बोलते हैं हमने ये किया वो किया, हमने किया या नहीं किया हम बताते नहीं हैं, क्योंकि अगर करके फिर उसको गिनाना है वो अच्छा नहीं लगता। अच्छी फैमिली ऐसे नहीं करती। Hey guys, welcome back है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज चुके हैं शाम के 2, तो अभी खेत में हूँ। और आप सभी ने कल का ब्लॉग देख लिया होगा, कैसा लगा आपको? हमें सौरभ भाई की फुल सपोर्ट करनी है, तो अभी मैं इधर आ चुका हूँ अपने, जिस तरफ हमने ये मिर्च लगाई है। 2 किस्म की मिर्चियाँ हैं, देखो वो 3 के आ रहे, 1 किस्म के हैं ये, 2 और लग के हैं। और इधर लगा हुआ है ये कच्चा प्याज हमारा। ये कच्चा प्याज खाने के लिए है। देखो गट्ठी दिखाऊं इसकी आपको, ये देखो बिल्कुल छोटी सी भी, ये लाल गट्ठी है बिल्कुल फ्रेश, इधी बन दी है बेड़मी रोटी। अब ये बस रविंदर आगे हो जाओ, छोड़ दे इसको, ये आगे सुबह होगा अब। तो जल्दी सौरभ भाई भी एक वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए, क्योंकि आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो आएगी, आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। साइड देखो ये सारा कल रात के सूर आए हुए हैं, और सूरों ने ये ऐसे किया हुआ है, ये नुकसान करते हैं सूर। देखो ठुड निकलने, ठुड मार दे, ठुड मार के ये किया हुआ सब कुछ, ये थोड़ा बहुत खाया हुआ है इनका, ये साग खा लिया, सभी साग सभी कल वाली वीडियो में साग मांग रहे थे। देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया फ्रेश साग। देखो साग मटर, पापा भी आ गए। तो अब इन दिनों में ना बीज बजाई का जो टाइम होता है वो मेन होता है, तो अभी हमने लगभग 90% जो बजाई हमने कर ली है, बाकी जनवरी फरवरी में स्टार्ट होगी फिर से, दिसंबर में भी बीज देंगे, फिर उसके लिए एक छोटा सा पोली हाउस बनाना पड़ता है फिर उसके लिए। तो बाबा ने ये तैयार कर दिए, मतलब अभी मैंने लेवल करवाया था, ये सुबह तैयार कर दी थी। बिल्कुल देखो, बिल्कुल इस साइड से देख सकते हो सफाई नीट एंड क्लीन कितनी है। ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए, सफाई हमारे खेत में देख सकते हो कितनी सफाई है, आपको कैमरे में बिल्कुल दिख रही होगी ब्लॉग में। अब ये इसकी सफाई हो गई है, और अब उसके बाद उसकी हो रही है। अब पानी डाल के सही हो गया ना, इसको पानी डाला था, जो गट्टी वगैरह थी मिट्टी की टूट गई। तो ये शिमला मिर्च का रंग कितना अच्छा हरा, और आंखों को सुबह सुबह दिखने के लिए हरा रंग अच्छा लगता है, बट हमारे गांव में सभी तरफ हरियाली है, तो अब इसके बाद जब कनक हो जाएगी तो और भी ज़्यादा हरियाली होगी, तो देखो कितना अच्छा है। तो अभी मैं चक्कर लगा के देख रहा हूँ, और मैंने सौरभ भाई को फ़ोन किया था कि आप कब वीडियो डाल रहे हो अपने चैनल पे, तो देखते हैं, मिल के ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को अभी भैया को सिखाना पड़ेगा कि अपनी साइड रखो, मतलब वीडियो कैसे अपलोड, तो भैया को पता है टाइटल थंबनेल ये सब बताना पड़ेगा। और किसी दिन मिलते हैं फिर एक जगह सभी। और दूसरी बात, लोग बोलते हैं हमने ये किया वो किया, हमने किया या नहीं किया हम बताते नहीं हैं, क्योंकि अगर करके फिर उसको गिनाना है वो अच्छा नहीं लगता। अच्छी फैमिली ऐसे नहीं करती, तो हमने नहीं किया, मतलब हम छोड़ ही देते हैं कि हमने किसी का किया ही नहीं है, तो ना हम बताएंगे कि क्या क्या किया है, बस हम ये कहते हैं हमने किसी का किया ही नहीं है। और आजकल रिश्ते थोड़े पैसे से हो गए हैं, मतलब ये होता है कि, तो पहले होता था कि लोग रिश्तों से प्यार करते थे और चीज़ों को यूज़, तो अब उल्टा हो गया है, रिश्तों को अब लोग यूज़ करते हैं और पैसे से प्यार करते हैं, देखा ये अब आपने। तो रिश्तों को रिश्ते की अहमियत रखते नहीं है वो, तो पैसा दिमाग पे और एक बॉम्ब की तरह फैल गया है पैसा, जिसने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। ठीक, पेमेंट शाम की। तो अब आप अपना बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं। तो मैं सुबह ये लेके आया था, मल्टी लॉक मीटर है ये, 5 मीटर का, मतलब इन्होंने पंजाबियों ने फीता। तो अभी मेरे को ना ये बोर्ड पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा पुराना बोर्ड था, इसके ऊपर इसकी ना लेंथ और जिसकी हाइट
दोनों नाप के मेरे को एक बैनर बनाना है गौतम नर्सरी का, क्योंकि वहाँ से लोग सीधे आते हैं तो यहाँ पे आके उनको पता नहीं लगता, तो वहाँ पे लगाना है। तो हमें 25 साल हो चुके हैं हमारी नर्सरी को, तो जो सिंचाई का काम हम करते हैं उसी की बेस पे ये काम अभी तक सिंचाई के साथ चल रहा है। तो हम किसी के साथ धोखा नहीं करते, क्योंकि यार अगर आप धोखा करोगे ना किसी के साथ, जैसे हमने उसने मांगा मटेरियल कुछ और, मैं दे दूँ कुछ और, जैसे उनसे हरी बैंगनी मांगी है तो ये लाल बैंगनी दे दूँ उसको मैं, तो उसको तो जाके 3 महीने बाद खेत में पता लगेगा, और उसके जो 3 मंथ है मेहनत है वो सारी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसको चाहिए थी हरी और दे दूँ लाल। तो ये धोखा एक बार कर सकते हो, दोबारा आप पे वो ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो इसी कारण हम पहले बताते हैं भाई हमारे पास ये जी क्वालिटी है और ये मटेरियल है और ऐसा मटेरियल होगा, उसको पिक वगैरह हम मटेरियल की दिखा देते हैं। तो ये 3 क्यारे हमारे जो मिर्च के अलग हैं और ये वैरायटी अलग है, तो दिख रही होगी आपको ये। डब्बे डब्बे कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना। देखो एक लाइफ होती है रूल के साथ, लाइफ सच्चाई के साथ चलना अच्छा लगता है। देखो बिल्कुल स्ट्रेट लग रहे हैं कि नहीं कमेंट करके बताओ। जो भी लाइफ होती है रूल के साथ चलना अच्छा लगता है, और सच्चाई के साथ अपना काम करो, देखो फिर आपका काम कैसे चलता है। अब इसको यूज़ करके फटाफट इसकी लेंथ और हाइट नाप लेते हैं यहाँ से। ये 4 फुट होगी इसकी लेंथ, मतलब 122 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट देख लेते हैं, यार ये 2 फुट 6 इंच से थोड़ा सा कम है, मतलब ये आ रहा पूरा 30 इंच। ये इंच के है ना, ये नीचे सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये बीच में ये फुट है, 2 फुट 5 इंच यहाँ तक है, ये 2 फुट 6 इंच से थोड़ा सा कम है। तो इस टाइम पर आके मतलब 6 बज चुके हैं, ठंड हो जाती है और जैकेट वगैरह डालनी पड़ती है। विंडशटर और जैकेट तो अब निकल चुके हैं सभी के इस एरिया में, और जब मैं दिल्ली साइड गया था तो वहाँ तो प्रदूषण बहुत था, तो गर्मी इतनी थी। अगर यहाँ से आप रेलवे स्टेशन में उतरोगे दिल्ली में, और रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलोगे इतनी गर्मी, बहुत बुरा हाल होता है। तो यहाँ पे आपको इस टाइम अभी ठंडी ठंडी हवा चलती है और बिल्कुल ठंड महसूस होती है, और अगर बाइक पे जा रहे हो आप तो आपको कोई ना कोई जैकेट वगैरह वेयर करनी पड़ेगी। तो चलो अब चलते हैं घर। तो अभी घर आ गया, मम्मी लगे हुए हैं किचन में। मम्मी आज क्या बनाया? कड़ी। आज बन गई जी कड़ी, पंजाबी कड़ी। लो जी ये बन गई जी कड़ी, लस्सी वाली। एक होंगी इमली वाली, ये लस्सी वाली है जी। ये मिक्स नहीं किया मम्मी ने, मैंने लगता है ना मम्मी मिक्स नहीं की ना। लस्सी वाली नहीं, देही वाली है। एको गल है लस्सी जो मक्खन मक्खन कटे है। अच्छा ये देही वाली है। आ बनी है जी आपा पकौड़ियां, ये कदी छक लेने हैं मम्मी ने। चाननी छाननी कहंदे उनो को, चाननी क्या कहंदे मम्मी उनो? साडा पंजाबी शा चाननी कहंदे। चरनी उसके साथ बनाई है, मैंने तो थोड़ी बहुत खा भी लिया है। कड़ कड़ के बनी कड़ी। तो अभी मैं मार्केट साइड जा रहा हूँ, तो आज मन है कुछ बाहर का खाने का, कुछ अलग। तो मतलब कोल्ड था ना, थोड़ा टेस्ट मुंह का चेंज हो जाए, तो हल्का फुल्का ही लेके आऊँगा। और आप सबको रिक्वेस्ट है कि भाई की फुल सपोर्ट करनी है सौरभ भाई की, क्योंकि जब मैंने चैनल खोला था ना तो भाई ने मेरे को बहुत सपोर्ट करी थी, और अब हमें सबको मिलकर सौरभ भाई की सपोर्ट करनी है। और मैं कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा, सौरभ भाई को बोलूंगा कि चैनल पे डाले, ताकि आप सभी को उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ पता लगे। तो चलो अब मार्केट साइड चलते हैं, और भाई का साथ बिल्कुल आप भी देना है और मुझे भी सपोर्ट करना पूरा, कि मैं पूरी सपोर्ट करूँ भाई की। तो अभी मैं मार्केट से आ चुका हूँ, हाफ प्लेट चाउमीन और हाफ प्लेट मोमोज लेके आया हूँ, क्योंकि फ्राई मोमोज मम्मी को बहुत पसंद है। तो बिल्कुल मोमोज और चाउमीन लेके आया हूँ मैं, बिल्कुल लाइट सी ली है मैंने खाने के लिए, ताकि मेरा टेस्ट बदल जाए, फिर एक आधा फुल्का खाते हैं। तो चलो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, और सच को साथ लिखते हुए हम चलेंगे। तो
आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और कौन सी बात आपको अच्छी लगी है वो नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सभी ने मेरे को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो भी मेरा छोटा मोटा ये चैनल है ये आप सभी के साथ ही चल रहा है। चलो मिलते हैं आपको कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।